हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। वेल, एक RTX टाइप वाला टेक्सचर पैक लेके आया हूँ आप सबके लिए, यू नो। बट इसका साइज़ है अराउंड 100 MB, बट बहुत ही सुपर्ब है। वेल, इसकी जिप फाइल है वो 39 MB के आसपास ही है। सो एडऑन्स फॉर माइनक्राफ्ट से आप डाउनलोड कर सकते हो। ये पहले तो स्नोई बायोम्स में आप देखो, यू नो, नीचे जो है वो आइस था। एंड यहाँ पर मैं सबसे पहले तो एक ओवरव्यू दे देता हूँ स्क्रॉल करके, तो सिर्फ आप टेक्सचर देखते जाओ बस। इतना बढ़िया है ना, यू नो, कि मुझे तो बहुत ही पसंद है। सो मैंने सोचा क्यों ना इसके ऊपर एक वीडियो बनाई जाए। सो कल मैं बहुत सारे, यू नो, रिसोर्स पैक, टेक्सचर पैक सब चेक कर रहा था एंड आई गॉट दिस। सो यस, यहाँ पे ब्लॉक ऑफ गोल्ड, हेबेल, वीट, सैंडस्टोन, फिर जितने भी फ्लावर्स है, जितने भी पौधे हैं, जितने भी कोरल्स है, फिर कैल्प, बहुत, जितनी भी माइनक्राफ्ट की चीज़ें है ना, बहुत बदली हुई है एंड काफ़ी अच्छा बनाया है इसके अंदर। इवन कॉबवेब, फिर जो, हाँ, सब कुछ चेंज नहीं है, ये सब नॉर्मल है, जो फ्रॉग लाइट्स एंड दैट ऑल। फिर ये देखो, एक कोरस फ्रूट एंड होए, फिर वो नॉर्मल है इसके अंदर, ठीक है। बट बाकी जो है वो सब चेंज हुआ है। ये इलाइट्रा बहुत बढ़िया है एंड ये देखो, सब बकेट्स, फिर बेल, फिर डायमंड, ठीक है। आयरन इनगेट तो भाई मतलब ओपी जो होता है वो, रेडस्टोन टॉर्च एंड मतलब जितनी भी चीज़ है वो सब। तो चलिए, लेट्स स्विच टू द विलेज। तो यहाँ पे सन भी देखा ना आपने, मतलब इसमें पूरा राउंड है। मून भी दिखाऊँगा, नाइट व्यू भी दिखाऊँगा, काफ़ी अच्छा टेक्सचर पैक है, ठीक है। जिसमें ये देखो, ये कार्ड पम्पकिन काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे एंड ये विलेज है। तो चलो, लेट्स मूव टू द फार्मिंग सेक्शन सबसे पहले। और ये जो पेड़ है ना, जो लॉग देखो आप, पूरा 3D लगेगा, पूरा टेक्सचर पैक बहुत बढ़िया है। ये देखो, ये स्टोन ब्रिक और स्टोन, ये बेल, काफ़ी अच्छा टेक्सचर पैक है, पर्सनली काफ़ी पसंद आया मुझे। ये देखो, ये वीट, यहाँ पे फार्मिंग चल रही है एंड वीट एंड हेबेल बहुत अच्छा बना है। तो यहाँ पे मैं अगर निकाल के लगाऊँ तो अपन उगाते हैं आलू, फिर जो गाजर है वो, पहले तो यहाँ पे जो है इसको हटा रहा हूँ, रुको ज़रा, हाँ अब हटेगा। तो ये हटा के, ये बोन मिल का भी टेक्सचर देखो, इसमें पूरा चेंज्ड है, ठीक है। ये आलू उग गया यहाँ पे, अब बारी है यहाँ पे गाजर उगाने की, जो कैरेट्स है। बीट रूट पहले ले लिए है मैंने, तो बीट भी काफ़ी अच्छा है इसके अंदर एंड ये देखो, ये है कैरेट्स। तो ये तीनों मतलब बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, एकदम रियल लग रहा है एंड यू नो, ये 128x है, पहले बता रहा हूँ, ठीक है। आई गेस ये जावा में था एंड इसको बेडरॉक में भी लाया गया है। सो अभी तो फ़िलहाल 128 है। अगर आपका फ़ोन अच्छा है देन यू कैन यूज़ हायर क्वालिटी, बट 128 का भी 100 MB साइज़ है, मैं बता रहा हूँ। देन जस्ट थिंक अबाउट, यू नो, ये वीट, तो अभी देखो मतलब कितना अच्छा दिख रहा है ये। तो नॉर्मली अगर आपके फ़ोन की रैम 3 to 4 GB के ऊपर है, ये जो मैं यूज़ कर रहा हूँ ना, मेरे वो वाले फ़ोन में तो चला ही नहीं है, मैं पहले ही बता रहा हूँ, ठीक है। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड वॉइस, कंस्ट्रक्शन चल रहा है, ठीक है गाइस। हाँ, तो मैं ही बता रहा था, ये 6 GB रैम में इतना स्मूथ चल रहा है। जो मेरा 3 GB 4 GB है ना, उसमें तो मेरा गेम ही क्रैश हो रहा है या फिर रिकॉर्ड नहीं हो रहा है, तो मेरे को उसमें ज़्यादा कल टाइम लग गया, ठीक है। तो अगर आपका फ़ोन थोड़ा अच्छा है तो ये यूज़ करो, मैं पहले ही बता रहा हूँ, 4 GB हो मिनिमम रैम और स्टोरेज अच्छा खासा। स्टोरेज तो वैल इतना मैटर नहीं करता, बट थोड़ा खाली स्पेस चाहिए। ये देखो, ये कोरल कितना खूबसूरत लग रहा है और ये कैल्प भी, तो ये वर्क करेगा, नहीं तो क्रैश होगा या फिर कुछ ना कुछ इश्यू आएगा, लैग मारेगा या फिर ये होगा। सो ये 6 GB में इतना चल रहा है, देन आई डोंट थिंक कि शायद, क्योंकि वो वाले फ़ोन मेरा 4 GB या 3 GB है, तो उसमें मेरा गेम क्रैश हो रहा है या फिर रिकॉर्डिंग नहीं हो रहा है, दोनों में से एक प्रॉब्लम तो आ ही रहा है। ये देखो, ये वाइंस तो मतलब इसके अंदर क्या ही लग रही है, मैं बता रहा हूँ ना, ये देखो कितना खूबसूरत लग रहा है। तो इसीलिए मुझे ये टेक्सचर पैक काफ़ी पसंद है। अभी मैं कॉबवेब दिखाता हूँ, ये स्पाइडर की आइज, फिर ये देखो, ये जितने भी फूड मटेरियल्स है, ठीक है, फिर ये जितने भी स्टोन के ब्लॉक्स है, और ये कोरस फ्रूट,
ये स्पॉन्ज का भी काफ़ी स्ट्रक्चर इसमें चेंज्ड है, ठीक है। और ये बी का नेस्ट, कैक्टस भी देख लेते हैं अपन। कॉबवेब काफ़ी अच्छा रहता है मोस्ट प्रोबेबली सब ऐसे वाले में। श्रूम लाइट, अभी नाइट व्यू भी दिखाता हूँ, मून भी देखेंगे, बहुत ही अच्छा है। एंड ये देखो, ये अपन ने ऊपर हनी बी का कोम तो लगाए, श्रूम लाइट का जो है ना इसमें टेक्सचर, और ये कॉबवेब देखो। और भी एक आ रहा है जो जावा एडिशन का है, बट आई डोंट थिंक कि वो, अगर देखते हैं कैसे पहले कौन से स्पेसिफिकेशंस में चलेगा, अगर चला तो मैं जावा में अपने में बताऊंगा, ठीक है। और बाकी बेडरॉक में तो नहीं चलेगा, मैंने बेडरॉक पे इसका एक वीडियो बनाया था, ठीक है, वो भी सिमिलर डिवाइस पे बनाया था। यस, तो ये नाइट व्यू, चलो मैं स्कोप ले लेता हूँ, लेट सी द मून। ये देखो, ये नाइट व्यू है, तो चलो अभी मैं सनराइज़ कर देता हूँ। ये देखो, जैसे ही सनराइज़ होता है आप सन की रेज भी देख सकते हो इसके अंदर, ये बहुत खूबसूरत है। सो यस, ये एड ऑन मैं रिकमेंड कर रहा हूँ, एड ऑन तो नहीं, सॉरी, टेक्सचर पैक रिकमेंड कर रहा हूँ। एंड सबसे पहले तो हाँ, शुगर केन्स, लेकिन इसके लिए पानी चाहिएगा, वो मैं करता हूँ। ये जो बैम्बू है ना, इसका जो स्ट्रक्चर है काफ़ी अच्छा है यार इसके अंदर, यू नो। शुगर केन के लिए मैं पानी ले लेता हूँ यहाँ पे, और पानी के बाद अपन यहाँ पे उगा देते हैं इसको, ठीक है, इस तरफ आ जाओ। हाँ, तो शुगर केन का भी मैं बता रहा था कि काफ़ी अच्छा स्ट्रक्चर है, और सब चीज़ें दिखाने बैठूँगा तो 20-30 मिनट तो ऐसे ही चला जाएगा, बट जो मेजोरिटी अच्छी अच्छी चीज़ें वो सब दिखा रहा हूँ, सो बने रहिए। एंड अभी ऊपर व्यू का जो, ये देखो, ये सी लैटन, फिर ये ग्लो स्टोन, ये रेड स्टोन लैम्प है, ये पेंटिंग बहुत सारी है, इसलिए एक भी पेंटिंग नहीं मैं यहाँ पे दिखाऊंगा, लेकिन मतलब 3D पेंटिंग्स है। ये देखो, ये मैं बता रहा था, आयरन इनगेट्स, फिर ये फायर चार्ज, बोट्स, नेदर स्टार एंड क्रिस्टल, बुक एंड क्विल, एंशेंटेड बुक्स, रेड स्टोन रिपीटर, फिर ये लूम है, लूम भी अच्छा है इसमें। हाँ, फिर अपन एंशेंटमेंट टेबल देखते हैं, बुक शेल्फ देखते हैं, चेस्ट नॉर्मल वाली, और अंडर चेस्ट भी देख लेते हैं। मेरे ख्याल से थोड़ा इसमें टेक्सचर अलग है एज़ कम्पेयर टू द रियल वन। शुल्कर बॉक्स भी एक ले लेता हूँ मैं, ठीक है, और क्लॉक का भी, यू नो, इसमें अलग रहता है, बट आई गेस इट्स फाइन। लैंटर्न एंड सी पिकल, तो ये सारी चीज़ें जो जो इसमें नई नई टेक्स्चर्स है वो सब मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो ये चेस्ट नॉर्मल वाली है, एंड अंडर चेस्ट भी दिखाऊँगा। ये लैंटर्न्स, इसमें भी सोल वाला है वो अलग है थोड़ा, ठीक है। एंड जो ब्लू कलर का है, ये लूम, और ये एंशेंटमेंट टेबल, जो बुक शेल्फ एंड टेबल है बहुत बढ़िया है। ये शुल्कर तिजोरी टाइप का, आई मीन वो जो आगे से डोर खुलता है ना वैसा वाला है इसका जो टेक्सचर, ये देखो बहुत बढ़िया। एंड ये है एंडर चेस्ट, तो एंडर चेस्ट का भी स्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा है, टेक्सचर काफ़ी अच्छा बनाया है। ये सी भी कले तो पानी में ही स्पॉन होगा, रुको, यहाँ पे नहीं होगा, वैसे ऊपर रख सकते हैं, बट दैट्स फाइन आई गेस यहाँ पे। हाँ, तो ये देखो, ये सी पी कल काफ़ी अच्छा लग रहा है, एंड फुल ब्राइटनेस। सो यस, ये तो मेरे ख्याल से हो गया। स्ट्रिंग का टेक्सचर देखो, फिर ये बेड्स है सब, और यहाँ पे अगर हम बात करें तो नीचे के सेक्शन में भी आएंगे, ये बाउल है, ठीक है। फिर हाँ, ये वाले सेक्शन में देखे तो ये जितने भी इक्विपमेंट्स है एक्सेप्ट बो, ये देखो ट्राइडेंट, ये भी काफ़ी अच्छा है, इसमें टेक्सचर बना दिया है। ये शीयर्स, फिर ये क्लॉक, फिर ये लीड जिससे अपन एनिमल्स को लिश करते हैं। फिर आर्मर में अगर हम देखें तो आर्मर में नेदरराइट का छोड़ के बाकी सब इम्प्लीमेंटेड है, ठीक है। ये ब्लॉक ऑफ गोल्ड पूरा चमक रहा है, मतलब ये एंड ब्लॉक ऑफ आयरन, ब्लॉक ऑफ डायमंड दिखा देता हूँ, सब दिखा देता हूँ। और ये डोर्स भी इसके अंदर काफ़ी अच्छे हैं, मेरे को ये भी काफ़ी पसंद है। तो ये जो लगा हुआ है ना नॉर्मल डोर है, इसको हटा देते अपन, और यहाँ पे सबसे पहले मैं ये लगा रहा हूँ, ठीक है। ये डोर देखो बहुत ही अच्छा है। अभी आयरन का डोर तो विदाउट नहीं खुलेगा, बटन या फिर लीवर या फिर प्रेशर प्लेट आप जो भी लगाओ। ये जंगल का डोर, जंगल वुड का, ये डार्क ऑक, ये थोड़ा बहुत सिमिलर है टू अपने माइनक्राफ्ट, यू नो, बट यस, ये पूरा अलग है। और मेन चीज़ गाइस, इसमें जितने भी ग्लेज्ड टेरा कोटा है ना, ये मुझे काफ़ी पसंद आया, बिकॉज ये वॉल या फिर कुछ भी बनाने में डिज़ाइंस आपको वैरायटीज़ मिल जाएगी, ब्लॉक ऑफ गोल्ड, ब्लॉक ऑफ आयरन, ब्लॉक ऑफ डायमंड एंड और भी चीज़ें, बट ये ओवरऑल काफ़ी अच्छा लगा मुझे। इसमें ये भी विथ शेड्स है,
और ये देखो जी, यहाँ पे अगर मेलन की बात करें तो पम्पकिन के ऊपर ही रख रहा हूँ। मेलन का भी टेक्सचर बहुत अच्छा है इसके अंदर, और पॉलिश डायोराइट, फिर एमराल्डोज एंड स्कैफोल्डिंग भी दिखाऊंगा। ये स्ट्रिप्ड एशिया लॉग, ये हे बिल जिसकी मैं बात कर रहा था, जो घास की पूरी जो रहती है ना एक साथ, ये काफ़ी अच्छा टेक्सचर मुझे वीट वाला जो सेक्शन है इसमें पूरी तरीके से सुपर्ब लगा। यू नो ये स्कैफोल्डिंग जो जो छोटा सा यू नो हम यूज़ करते हैं एज अ लिफ्ट और एज अ सिटिंग एरिया जो भी बोलो। एंड गाइस फ्लावर्स तो रह गए, स्टार्टिंग में एक दिखाया था, ये इतने सारे फ्लावर्स हैं इसके अंदर कि फ्लावर्स का भी टेक्सचर बहुत अच्छा है। ये देखो पियोनी फ्लावर, फिर लिली ऑफ द वैली, कॉर्न फ्लावर है ये, ठीक है, जो है ये वैप्ड रूट्स, फिर पॉपी, फिर एज्योर बुलेट, ये सन फ्लावर्स, ये तो मतलब बहुत बढ़िया है। लिलैक वो भी दिखा देता हूँ, एंड अपना एक रेड और है, ठीक है, रोज़ बुश, तो ये सारी चीज़ें और भी है। बट ये कैसा लगा गाइस ज़रूर बताना, डू लाइक, मिलेंगे नए वीडियो के साथ, थैंक यू फॉर वॉच।